हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस पब्लिक स्कूल। आई एम निशा बंसल एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्लास 8 टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों होता है, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल नोन एज ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पेरेंट्स अपने जैसे ही बेबी को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब कोई भी एनिमल या कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई इंसेक्ट, कोई फिश, कोई बर्ड, सभी जो होते हैं अपने जैसे बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बेबी प्रोड्यूस करने की ये जो कैपेबिलिटी है वो क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब देखिए रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होता है। रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, अर्थ में लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो है रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। यानी कि हमारी जो जनरेशन बाय जनरेशन जो है हमारे कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है, सर्वाइवल के लिए भी रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन ऑफ आफ्टर जनरेशन। यानी कि एक तरह के इंडिविजुअल को जनरेशन बाय जनरेशन जो है कंटिन्यू ले जाने के लिए जो है रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। मतलब जैसे आज है हमारे ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज है, तो अगर हमारे जो है बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, आगे जो होगा वो ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, तो आगे जो है वो जनरेशन आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक तरह के काइंड को, इंडिविजुअल को जनरेशन बाय जनरेशन करने के लिए ज़रूरी होता है, और स्पीसीज़ वो एक्सटिंक्ट ना हो इसलिए भी ये ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्शन स्पीसीज़ वुड बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब वाली जो स्पीसीज़ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी विदाउट रिप्रोडक्शन, इसीलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। देयर आर टू मोड्स ऑफ मेथड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोस्टली प्लांट्स में होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में और जो एनिमल्स दोनों तरह में हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें केवल एक ही तरह का जो है पेरेंट इन्वॉल्व होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ओनली वन टाइप ऑफ जो है पेरेंट इन्वॉल्व होगा जब रिप्रोडक्शन में, यानी कि केवल एक ही पेरेंट से नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो पेरेंट मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट डज नॉट अकर। इस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब दोनों पार्ट ही नहीं लेते हैं, दोनों में से एक ही पार्ट लेता है, तो एक के पार्ट होने के कारण उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है, फ्यूज़न हुए बिना ही जो डायरेक्ट मेल या फीमेल से ही नए जो है बेबी को, नए बेबी जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है, तो इससे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोस्टली प्लांट्स में होता है, ज़्यादातर एनिमल्स में नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू सेपरेट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें दो अलग अलग जो पेरेंट्स जैसे मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट लेते हैं, तो उनके जो गैमेट्स होते हैं उनके बीच में फ्यूज़न होता है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जायगोट बनता है, जायगोट की सेल्स में डिवीज़न होता है, और वो जो होता है बेबी जो होता है प्रोड्यूस हो जाता है, और वो धीरे धीरे ग्रो करता जाता है, तो इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें दोनों तरह के जो मेल और फीमेल दोनों पार्ट लेते हैं, और दोनों के फर्टिलाइजेशन से जो है नया गैमेट, जो नया जायगोट बनता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और दोनों इन्वॉल्व होते हैं, मदर और फादर दोनों के फ्यूज़न से जो होता है रिप्रोडक्शन होता है, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, या फिर वो मेल पेरेंट होगा या फिर वो फीमेल पेरेंट होगा। जब एक मेल या फीमेल दोनों में से एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है।
और दूसरा पॉइंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूज़न से फर्टिलाइजेशन होता है और उसी से ही जायगोट बनता है और उसी से ही बेबी डेवलप होता है। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमिट में से दोनों एक ही में से एक ही होता है, इसीलिए फ्यूज़न नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, इसीलिए जो होता है वो केवल एक ही फ्यूज़न का प्रोसेस नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं वो पूरी तरह से या मतलब थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया इंडिविजुअल बनता है वो पूरा अपने पेरेंट्स के जैसा ही होता है। जो न्यू इंडिविजुअल इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट्स, अपने बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स के जैसा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज़ स्लो मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो है रिप्रोडक्शन का स्लो मैथड है, ठीक है। ये जो है इसमें जो नया बेबी का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इज़ अ क्विक मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत जल्दी होता है और जो नया बेबी होता है वो अपने पेरेंट्स से बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, इसीलिए ये जो होता है क्विक मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब जो मेल में रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ए पेयर ऑफ टेस्टिस होगा, अगर एक सिंगुलर होता है तो उसे हम टेस्टिस कहते हैं, और वो पेयर है यानी कि दो में है तो उसे हम क्या कहेंगे, टेस्टिस कहेंगे। सेकेंड है ए पेयर ऑफ स्पर्म डक्स, यानी कि एक पेयर स्पर्म डक्स होती है। थर्ड है सेमिनल वेसिकल। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ए पेयर ऑफ स्पर्म डक्स और सेमिनल वेसिकल। इन तीनों का ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है रोल होता है, इनके बिना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनकम्प्लीट है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाती हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, ए पेयर ऑफ स्पर्म डक्स और सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट है हमारा डायग्राम, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये डायग्राम है। इसमें देखिए ऊपर जो है वो है टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस बना है, और जो भी मैंने आपको बताया थे सारे इसमें पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप प्रैक्टिस करिएगा और इसको बनाना सीखिएगा। ये देखिए इसमें जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहे हैं स्पर्म है, और बीच में जो है ये जो नीचे सर्कुलर है वो टेस्टिस है, ठीक है। तो ये जो है मेन इसके ऑर्गन है। नेक्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होता है, अ पेयर ऑफ ओवरीज, एक पेयर ओवरीज की होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं जिसे हम ओविडक्स कहते हैं, दो फैलोपियन ट्यूब्स हैं दो, और जिन्हें हम ओविडक्स भी कहते हैं। तीसरा है वॉम्ब यानी कि यूटेरस, ठीक है, और फोर्थ है वेजाइना, ठीक है। तो ये जो चार होते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट होते हैं, कौन कौन से, पेयर ऑफ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स जिसे हम ओविडक्स कहते हैं, यूटेरस जिसे हम वॉम्ब कहते हैं, और फोर्थ है वेजाइना, ठीक है। देखिए ये फिगर में भी बना हुआ है, फिगर से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या होता है, और ये जो फिगर है इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बनाइए, तो ये आपको बनाना पड़ेगा, ओके। चलिए अब हम पढ़ते हैं गैमेट्स के बारे में। गैमेट्स क्या होता है, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नोन एज गैमेट्स। मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स जो मेल और फीमेल्स में होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और फीमेल गैमेट्स आर नोन एज स्पर्म। जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या जिसे हम मेल गैमेट भी कह सकते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्म। यानी कि मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं उसे हम मेल गैमेट या फिर हम उसे स्पर्म के नाम से भी जानते हैं। द फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवा और ओवियम और एग। जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम ओवा कहते हैं या ओवियम कहते हैं या फिर एग कहते हैं। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस।
तो ये जो फीमेल और फीमेल में जो गैमेट्स बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल में गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू स्पर्म बनता है और फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है, ओवा बनता है। इस तरह से गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो होता है गैमेट्स बनता है। तो स्पर्म के बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और ओवा के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं। यानी कि गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो प्रोसेस होता है गैमेट्स बनने का, ओवा या स्पर्म बनने का। अब स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवा बनने का जो प्रोसेस होता है उसे ओजेनेसिस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेल गैमेट। मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म। मेल गैमेट क्या होता है, अभी हमने आपको बताया मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। स्पर्म वर फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1677 बाई एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। स्पर्म की डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहले किसने देखा था, 1677 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप का यूज़ करके जो है स्पर्म की डिस्कवरी की थी। स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, इसके चार पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म कंटेनिंग क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन हेड रीजन। अब न्यूक्लियस, जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं वो इसके हेड रीजन में होते हैं। क्रोमोसोम वाला जो पार्ट होता है यही मेन पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस। स्पर्म्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस में, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखिए इसमें तीन पार्ट दिखाए गए हैं, हेड, नेक और टेल, ठीक है। हेड में देखिए क्या क्या पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, ठीक है, ये सब होते हैं। नेक में क्या है, मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट क्या है हमारा, टेल, ठीक है। तो ये जो तीन पार्ट हैं ये हमारे किसके हैं, स्पर्म्स के। अब हम पढ़ते हैं फीमेल गैमेट्स के बारे में। फीमेल गैमेट इज ऑल्सो नोन एज ओवा और एग। फीमेल गैमेट को हम ओवा या एग के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस इन ओवरीज, ये जो होता है ओवरी में प्रोड्यूस होता है, फीमेल की ओवरीज में जो होते हैं ओवा प्रोड्यूस होते हैं। ईच एग इज अ सिंगल सेल विच कंटेन न्यूक्लियस, हर एग जो होती है एक सिंगल सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये एक सिंगल सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ये तो हमें पता ही है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है और आपने पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियस में होते हैं और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वही जो होते हैं हमारे पेरेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको अपने बच्चों तक, उनके बच्चों तक पहुँचाने का काम करते हैं। द एग इज सराउंडेड बाई टू कोट्स, दैट इनर थिन जोना पैलोकेटा एंड आउटर थिक कोरोना लैटेटा। तो दो पार्ट से ये घिरी हुई होती है एग, एग के चारों ओर दो चीज़ की कवरिंग होती है और ये जो होता है ये हैप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है, ठीक है। ये जो होता है एग क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, इसमें इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो एन होते हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर दो कोट की कवरिंग होती है, जो इनर होती है लेयर वो थीन होती है, पतली होती है, जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, और आउटर की जो कवरिंग होती है वो थिक होती है, जिसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो ये है हमारा फीमेल गैमेट के बारे में, जो है हमारा एग। एग जो होता है वो ओवरीज में प्रोड्यूस होता है और ये सिंगल सेल होता है और इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा एग का स्ट्रक्चर, देखिए बीच में हमारा ओव्यूम है और इसके चारों ओर देखिए दो कवरिंग है। इनर जो कवरिंग है वो थिन है, देखिए जोना पहले की सीटा, और जो ऊपर की कवरिंग है वो ठीक है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और यहीं पे देखिए स्पर्म एंटर कर रहा है, तो जब स्पर्म जो होता है वो उसके अंदर एंटर कर लेता है तो वो ओवा के साथ जो होता है फर्टिलाइज कर देता है और जायगोट बना लेता है, ठीक है।